आरा व्यवहार न्यायालय में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव ने सरेंडर कर दिया है। मामला नाबालिग से रेप का है। अरुण यादव इस रेप कांड में लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी खोजबीन में जुटी हुई थी। अब उन्होंने आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दरअसल 18 जुलाई 2019 को पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के पास ले भाग कर आरा पहुंची थी। पीड़िता के भाई ने नगर थाने में आवेदन दिया था, जिसमें अनिता देवी और संजीत कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में नगर थाना में कांड संख्या 340/19 तथा पाक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज हुआ था। पीड़िता के 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश कुमार और संजय कुमार उर्फ जीजा को आरोपित किया गया था, जबकि 164 के दूसरे बयान में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को आरोपित बताया गया था। इस कांड में अरुण यादव फरार चल रहे थे, पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि हम हाजिर बने हैं और झूठा के सवाल बने, हम किडनी के रोगी बने, हम बोले में असमर्थ बने, जाते बोले कोई तो वकील साहब लोग क्या क्या कहेंगे भैया, भरोसा बा हम किडनी के भी रोगी भी बनी केस में फसावल बनवा, जैसे हम निर्दोष बनी ऐसे हम आप हाजिर भाई नहीं किसकी साजिश है भैया, सरेंडर किया है इतने दिनों तक कहाँ रहे, क्या उनका कहना था न्यायालय में, क्या आप उसे मान नहीं, वो अब तो सरेंडर कर गए, वो ठीक है, राजनीतिक द्वेष में उनको फंसाया गया था, लेकिन अब उन्हें न्यायालय पे उन्होंने बताया कि जैसा अभी बाइट दे रहे थे, मैं सुना कि उन्हें पूरा भरोसा है न्यायालय पर, तो वो सरेंडर कर गए न्यायालय में। बीमारी का हवाला भी दिया है, वो उन्होंने कागजात भी कोर्ट में दायर किया है, उनको किडनी का ट्रबल है और इसके लिए जज साहब ने रिपोर्ट भी मांगा है जेल से। आपका नाम जी? आदित्य।